तो देखिए, लखीमपुर खीरी हिंसा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और हमारे संवाददाता रविकांत राय की ये रिपोर्ट आप देखिए। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक वारदात के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के दिल्ली स्थित आवास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये नर्मदा अपार्टमेंट है, यहीं पर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र उर्फ टेनी, इसके थर्ड फ्लोर पर रहते हैं। लखीमपुर में हुई वारदात के बाद सिक्योरिटी वहां पर भी बढ़ाई गई है, लेकिन दिल्ली स्थित उनके आवास पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसक वारदात ना हो, यहां पर कोई प्रोटेस्ट ना हो, इसलिए आप देखिए तस्वीरों में यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। और यहीं पर थर्ड फ्लोर पर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और टेनी रहते हैं, उनके लिए एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर यहाँ के मेन एंट्रेंस की बात करें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर अनहोनी वारदात ना हो, प्रोटेस्ट करने जो लोग आएँ उनको बाहर रोका जाए, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो मामला है वो बहुत तूल पकड़ चुका है। 8 लोगों की जान गई है, जिसमें 4 किसान बताए जा रहे हैं और 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अजय मिश्र टेनी का एक ड्राइवर, उसकी भी जान गई है। तो इस तरीके से जो हिंसा की घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, उसके बाद दिल्ली स्थित नर्मदा अपार्टमेंट में जो अजय मिश्र का आवास है वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ताकि यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट करने आए उनको बाहर ही रोका जाए और किसी के साथ कोई अनहोनी यहाँ पर ना हो। रविकांत राय, टाइम्स नाउ, नवभारत।